इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास ड्रेसीना की कुछ वैराइटीज़। ड्रेसीना की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, मेरे पास यही है 5-6, और बहुत ही इजी टू ग्रो और ख़ूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। कोई इसकी ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती है और एक इंडोर प्लांट है और शेड को पसंद करता है, इसको सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करें कि जब आपने ड्रेसीना का प्लांट लगाना है तो उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी जिसमें गार्डन मिट्टी हो, थोड़ा सा रेत हो और थोड़ा कंपोस्ट मिला लें आप, जिसमें एक वेल ड्रेन गमला इसके लिए तैयार करें, उसमें इसको लगाएं तो बहुत ही अच्छी इसकी जो ड्रेसीना के जितनी भी वैराइटीज़ हैं इस टाइप की मिट्टी में बहुत ही अच्छी इनकी जो ग्रोथ है वो होगी। और ये प्लांट जो है वो ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता, तो एक वेल ड्रेन मिट्टी होगी तो उसमें ज़्यादा पानी भी नहीं रुकेगा, तो इस वजह से ऐसी मिट्टी में इसकी बहुत ही अच्छी जो ग्रोथ है होती है ड्रेसीना के प्लांट की। फ्रेंड्स, ड्रेसीना के जितने भी प्लांट हैं इन ये सबकी जो केयर है वो एक जैसी ही होती है। और ये शेडी प्लेस का प्लांट है, इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, चाहे आधे घंटे की धूप इनको मिल जाए इनके लिए बहुत है, और इनडायरेक्ट सनलाइट को ये पसंद करता है, और इंडोर भी ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है, इंडोर में भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है ये ड्रेसीना। फ्रेंड्स, ड्रेसीना का जो प्लांट है ये ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता है और ना ही इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आपने इस मिट्टी को जो थोड़ा मॉइस्ट रखना है और पानी इसको तभी देना है जब इसकी ऊपर वाली जो लेयर है सूख जाए, तभी इसको पानी देना है। ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको ज़्यादा पानी मिले इसकी मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रखें। फ्रेंड, ड्रेसीना के एक से ज़्यादा प्लांट हम कैसे बनाएं, तो जब आप ड्रेसीना का जो प्लांट है इनकी जो ग्रोथ बहुत ही हाइट में बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ये प्लांट थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, और जहाँ से आप कट करोगे वहाँ से इसको 2-3 शूट्स निकलते हैं, तो जो आप पार्ट कट करोगे उसके भी ऐसे कटिंग ग्रो कर सकते हैं, तो कटिंग के थ्रू ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, और कटिंग आपने इसकी बरसात में लगानी है। फ्रेंड्स, जो आप छोटे छोटे प्लांट देख रहे हैं छोटे पॉट्स में लगे हुए, मैंने इनको कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है इन्हीं प्लांट्स में से लेके, तो इसकी जो कटिंग है बरसात में बहुत ही इजीली इसकी कटिंग जो है ग्रोथ करती है, और बहुत ही जल्दी उसमें जो रूट्स हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखिए, ये प्लांट मैंने कट किया और यहाँ से 2-3 शूट्स निकले हुए हैं, और इस न्यू शूट्स को भी लेके आप ऐसे कटिंग ग्रो कर सकते हैं, उसमें बहुत ही जल्दी रूटिंग जो है स्टार्ट होती है और आपका न्यू प्लांट है जो ड्रेसीना का वो तैयार हो जाता है। बस इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है, जहाँ मैंने अपने प्लांट्स को रखा है वहाँ मतलब धूप नहीं आती है, मगर सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छी आती है, आधे घंटे की धूप शायद जहाँ आती होगी।
कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। और आप बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र में आप इसको डीकम्पोज का उडंक और लीफ कम्पोज से इसको दे सकते हैं, उसी में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट नहीं है तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। एक ये पत्तों वाला प्लांट है तो इसमें लीफ कम्पोज और कोडंक में भी इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला इंडोर प्लांट है। जितनी भी ड्रेसीना की वैरायटीज़ होती हैं बहुत ही खूबसूरत और सबकी केयर जो है एक जैसी ही होती है।